वो बेडरूम है। अच्छा। मम्मी मम्मी, ये नया घर है, अब हम यहाँ रहेंगे। हाँ बेटी। इतने कम भाव में आपको इससे बेटर फ्लैट नहीं मिल सकता है। मांग क्या रहा है वो? 17 लाख, 800 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। कहाँ मिलेगा ऐसा फ्लैट 25-30 लाख से कम में? कोई भी फ्लैट नहीं मिलता इस एरिया में जी। क्या हुआ मधु, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कबूतर। अरे मधु, अब ऐसी जगह पर कबूतर तो होंगे ही। ऐसे मधु, किचन काफी बड़ा है, नहीं? हाँ। अच्छा मधु, चलो बंटी स्कूल से आ गया होगा, चलो आओ। डाल देना। बिरेन, क्या हुआ तुम्हारे मकान का? भैया आज ही मैंने घर देखा है। क्या मांगता है? 17 लाख, 800 स्क्वायर फीट का घर है। अरे तो और क्या चाहिए, ले लीजिए मकान। चलो अब इस घर में कुछ शांति तो होगी। भाभी ऐसा क्यों कहती हैं आप? मधु बैठ जाओ, खाना खत्म करके जाओ। मुझे भूख नहीं है। रहने दो भूखा। मिनी, अपनी भाभी से इस तरह बात करती हो तुम? देवर जी, तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाते? दो बच्चे क्या पैदा कर लिए, जैसे कि कोई जंग जीत लिया। न जाने क्या समझती अपने आप को। भाभी अगर आपके कोई बच्चा नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। क्या बिरेन, बंद करो ये सब बकवास। क्या हो रहा है इस घर में? जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा। थक जाओ मैं ये सब सुनते सुनते। बिरेन, तुम अपनी बीवी और बच्चों को लेकर निकल जाओ प्लीज। ठीक है ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मैंने वो घर खरीद लिया। बंटी चलो, बहुत अखर हो तुम लोगों की नजरों में। बंटी चलो। संभाल कर भैया, संभाल कर, आराम से आराम से। हाँ भैया, ये बैग उस कमरे में ले जाओ। हाँ? नहीं नहीं, ये उधर कमरे में आएगा। मधु ये इधर लो। ये, हाँ? ये उधर उस कमरे में ले जाओ। हाँ तो उधर। हाँ बेटा, ये बेटा ये खिलौने उधर रखो ना, उधर रख दो। हाँ? संभाल कर भैया। ये उधर कोने में रखना, ये भी। भैया ये गैस उस उधर किचन में ले जाओ। नहीं नहीं, एक मिनट, वहाँ किचन में रखना है। यहाँ लो, इधर आओ, ये यहाँ रखो। उफ, कहाँ से शुरू करूँ? पिंकी, हमारा नया घर अच्छा है ना? ठीक है। आखिर हर चीज अपनी जगह पहुंच गई, अब बचा खुचा काम बाद में होता रहेगा। हाँ, हमारा घर। हमारा अपना घर। मामा बंटी, पिंकी चलो बेटा, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। हाँ। जाओ बेटा, जाओ। चलो चलो जाओ। अच्छा चलो। पिंकी बेटा, आपको पोयम याद है ना? ये लो, टीचर को अच्छी तरह पोयम सुनाना। हाँ चलो मम्मी।
मम्मी कुर्सी हिल रही थी, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी देर हो गई। बंटी सारी बुक्स रख ली ना? हाँ। ओके, हो गया। ये डॉल यहाँ रखो। चलो जल्दी से, बंटी पिंकी बस निकल जाएगी। मधु, यहाँ मधु, ये मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? पता नहीं कहाँ रख दिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अभी देती हूँ। ओह थैंक यू। अच्छा, हम लोग पूजा कब करा रहे हैं? नए घर में आए हैं, गृह शांति के लिए पूजा तो करानी पड़ेगी ना। मधु, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मैं भी आजकल ओवर टाइम कर रहा हूँ, प्रमोशन होने वाली है मेरी, वक्त मिलेगा तो जरूर पूजा करवाएंगे। ओके, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय बाय। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं मिसेस खन्ना, आपकी पड़ोसन। आप लोग नए नए आए हैं ना, सोचा खुद ही चल के मिल लो। आइए ना। प्लीज कम। अरे वाह, आपने तो अपना घर बहुत अच्छा सजा रखा है। थैंक यू, बैठिए ना। मैं आपके नीचे वाले घर में रहती हूँ, आंखें तरस गई थी कि कोई तो इस घर में आए, अब पड़ोसी के बिना बहुत सूना सूना लगता है। क्यों, ये घर क्या काफी अरसे से बंद पड़ा था? हाँ, 3 साल से ये घर बंद पड़ा हुआ है। क्यों, ये 3 साल से क्यों बंद पड़ा है? हमें तो बहुत सस्ता मिल गया है, किसी ने अब तक इसे खरीदा क्यों नहीं? आपको नहीं मालूम? नहीं, क्या? इसकी वजह है। वजह? हाँ। क्या? यहाँ पर खून हो गया था। खून? हाँ, यहाँ पर एक क्रिस्टियन फैमिली रहती थी, जॉन परेरा और उसकी बीवी और बच्चा। जॉन का खून हो गया था और उसकी बीवी और बच्चा घर छोड़कर चले गए। अब भी यहाँ ना कोई किराएदार रहने को तैयार और ना कोई मकान खरीदने को, इसीलिए मकान मालिक ने घर के दाम भी कम कर दिए और फिर आप आ गए। लेकिन इस बारे में न तो हमें मकान मालिक ने कुछ कहा और न ही स्टेट एजेंट ने। ये खबर तो न्यूज़पेपर में भी छपी थी। ये कटिंग मेरे पास अब भी है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए ना, आइए। मेरे पति शायद सो रहे होंगे, मैं पेपर यहीं ले आती हूँ। ये है जॉन परेरा, इसका खून हुआ था यहाँ। वो घर ठीक नहीं है। क्या कह रही है तुम? वो आग
किसी का खून हुआ है। What? मैंने उसका भूत देखा है। मधु ये क्या कह रही हो तुम? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बेकार की बातें मत करो। उसका आत्मा है। बच्चे कहाँ? स्कूल गए। वो भी तो घर आते होंगे। चलो घर। नहीं 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 मधु घर चलो। नहीं। आओ मधु। मधु आओ। मधु आओ, घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कम कम आओ आओ, देखो कुछ नहीं है। कम। हाँ मधु, कहाँ है भूत? भूत कहाँ है? कहाँ है? यही था, जॉन परेरा का भूत। मैंने अपने आंखों से देखा। अब तुम्हें कैसे पता कि वो भूत था? जॉन परेरा की तस्वीर मैंने देखी थी। मधु ये सब तुम्हारा वहम है। यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पर। था, मैंने देखा। अच्छा, तब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। मिस्टर सैम डिसिल्वा। मिस्टर चावला। यस सर, प्लीज कम इन सर। आइए सर। विंडे आइए। आओ गोपी। प्लीज सैम साहब। थैंक यू सैम साहब। वो मेरी पत्नी मधु, वो कहती है कि उसने यहाँ कोई भूत देखा है। क्या भूत? भूत देखा है? जी हाँ, भूत देखा है यहाँ। दरअसल ये घर हमने अभी नया नया खरीदा है, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पहले किसी का वो खून हो चुका है। खून हो चुका है? जी हाँ। किसका? जॉन परेरा। वो पहले यहीं रहता था। वो परेरा? बिंदे। यस सैम। चेक करो ये बात सच है कि नहीं। आपके यहाँ टेलीफोन है? जी हाँ, वो टेबल पर रखा है। ऐसी आपकी पत्नी से? जी हाँ, एक मिनट। मधु मधु। सैम साहब। मधु जी, मैं समझ सकता हूं कि आपकी दिमागी हालत इस वक्त काफी परेशान होगी, लेकिन आप हमें बताएंगे कि ये भूत आपने कहां और कैसे देखा? वहां, अंदर। हम अंदर आ सकते हैं? नहाने की तैयारी कर रही थी और टब भरा हुआ था। अचानक मैंने देखा उसका वो भयानक चेहरा, वो खुली खुली आंखें, वो दांत। दो दरवाजे हैं बाथरूम के? हाँ, ये बच्चों का कमरा है। ये भूत देखने से पहले मिसेस चावला, आपको किसी ने बताया था कि इस घर में खून हो चुका है? जी, हमारी पड़ोसन मिसेस खन्ना ने बताया था, इसीलिए ये घर 3 साल तक बंद पड़ा रहा। ओ। मैंने उस मरे हुए आदमी की तस्वीर भी देखी न्यूज़पेपर में। मधु जी, यूं तो मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन 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 मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपकी आंखों पर विश्वास नहीं करता। देखिए मैडम, मैं आपकी आंखों पर ही नहीं, आपकी बातों पर भी विश्वास करता हूँ। अरे सैम, माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भूत होते हैं और जरूर होते हैं। सैम, ये बात सच है कि यहाँ खून हुआ था। अच्छा। और जिसका खून हुआ था, हाँ, उसका नाम जॉन परेरा ही था। अच्छा, कैसे हुआ था? खून बहुत भयानक तरीके से किया गया था, तलवारों से काटा गया था उसे, और ये बात न्यूज़पेपर वालों ने बहुत उछाली थी, फ्रंट पेज पे न्यूज़ दी थी इसकी। उसकी फैमिली है यहाँ? बीवी है और बच्चा है। बेटे तुम चलो, मैं आता हूँ। चावला साहब, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, इनको अकेला मत छोड़िए। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी जॉब, मेरा काम और वो तो है, और हम भी आपके साथ हैं, और हम फिर आएंगे, डेफिनेटली बहुत जल्दी आएंगे। फिक्र मत कीजिए और डरिए बिल्कुल मत। गोपी, आ,
इस बार केस जरा टेढ़ा है क्योंकि आदमी को नहीं पकड़ना है, भूत को पकड़ना है। ओ माय गॉड, लॉर्ड ब्लेस जॉन सोल। मैडम, हो न हो आप मिसेस परेरा हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम सैम डिसिल्वा है और मैं एक छोटा सा जासूस हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस दिन आपके पति की मृत्यु हुई, जिस दिन उन पर इतना बेदर्दी से हमला किया गया, उस वक्त क्या आप उनके साथ थी? जी हाँ, मैं उनके साथ। जिस वक्त उनको दफनाया गया इस कब्र में, क्या उस वक्त आप थी यहाँ? आपने खुद देखा कि उन्हें को दफनाया गया है? What do you mean? Of course, मैंने देखा। बुरा मत मानिए, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि आपके पति कैसे आदमी थे। वो जिंदा दिल आदमी थे। वो हमेशा कहा करते थे, मैरी मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा। मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा भूत बनकर? लेकिन आप सब ये क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मिसेस परेरा, ऐसा है कि जिस घर में आप रहती थी अपने पति के साथ, कुछ दिनों से उस घर में मिस्टर जॉन परेरा का भूत आ रहा है। क्या भूत? मधु, मधु कहाँ हो तुम? मधु, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर कैसे गई? क्या हुआ? मेरे मधु, मधु, रो मत, तुम रो क्यों रही मधु? मधु, मधु, क्या हुआ? बताओ क्या क्या हुआ तुम्हें? बताओ मधु, मधु, बस 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 मधु बस बस मत। अरे सैम साहब, आइए साहब, आइए। अच्छा किया आप आ गए साहब। आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? वो साहब, वो मेरी वो बीवी ने उस भूत को फिर से देख लिया साहब। क्या फिर से भूत? जी हाँ, आइए साहब, आइए प्लीज आइए। आइए सैम साहब, आइए। देखिए ये क्या कर लिया मिसेस चावला? वो फिर आया था, उसने मुझ पर हमला किया। मामा, मामा, वो किचन में मिल गई वहां पर। वो आप उस वक्त कहाँ थे चावला साहब? जी मैं वो बच्चों को साथ लेकर सिगरेट खरीदने चला। सिगरेट लेना इतना जरूरी था? मैंने आपसे कहा था इनको अकेला मत छोड़िए। सैम साहब, इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, अभी अचानक कैसे मुझे मुझे
आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? आप तो जानते हैं मेडिकल साइंस भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती। तो फिर ये क्या हो रहा है? इनके दिमाग में किसी मरे हुए आदमी का डर बैठ गया है। और वो डर भूत बन के इन्हें नजर आता है। हाँ सेंसर। मेरे ख्याल से अब हमें इस भूत को पकड़ने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। गोपी, भूतों को पकड़ना पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं। लेकिन भिंडे, वी मस्ट डू समथिंग। भूतों को पकड़ने की ट्रेनिंग हम पुलिस वालों को नहीं दी जाती, समझा? अरे तो किसी ऐसे आदमी को बुलाना जिसको भूतों के पकड़ने की ट्रेनिंग हो। भूत निकालने वाले को? हाँ हाँ। नहीं मैंने, चावला साहब आप इस घर में क्यों आए? सैम साहब, दरअसल हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरे बड़े भाई, भाभी, बहन, हम सब लोग इकट्ठे रहते थे। ठीक। और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? प्रॉब्लम आपके बीच या आपकी पत्नी के बीच? अब मधु के साथ। किसकी? मेरी भाभी और बहन की, मतलब इनकी बनती नहीं थी, झगड़ा हो गया कुछ तो। वो इन्हें पसंद नहीं करते थे? हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा कहेंगे कि वो इनसे नफरत करते थे? जी हाँ। बहुत ज्यादा? जी हाँ। मधु जी, देखिए आपका घर है, गृहस्थी है, पति है, बच्चे हैं, अपने आप को संभालिए, ऐसा कैसे चलेगा? ये भूत या जो कुछ भी है हम पर छोड़ दीजिए, हम उसको पकड़ेंगे। आप अपने आप को संभालिए, अपने आप पर काबू लाइए, ठीक है? हम वादा करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। आप संभालेंगे ना अपने आप को? दैट्स गुड, दैट्स वंडरफुल। हेलो मधु, कैसी हो? तुम्हारे पति दफ्तर जाते वक्त कह गए कि तुम अकेली हो और जरा तुम्हारा ख्याल रखूं, इसलिए चली आई। अब तबीयत कैसी है? ठीक हो, आइए। मधु, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है, आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं, अपने आप को संभालो। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम बैठे हैं ना, मैं रहूंगी पूरे दिन तेरे साथ। आप रहेंगे ना मेरे साथ? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मधु, मुझे लगता है कि दिस हाउस इज हॉन्टेड। जॉन परेरा की रूह यहाँ भटकती है। अरे पर तू डर मत, मैं बैठी हूँ ना, देखती हूँ कौन भूत भूत आता है। कहाँ है भूत? हाँ कहाँ है? देखिए, मैं आप लोगों की बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को हमसे क्या चाहिए? धीरज जी, कुछ भी हो, आखिर आप वीरेन के बड़े भाई हैं। हमें लगा कि जब आपको पता चलेगा कि आपके छोटे भाई की बीवी की जान खतरे में है तो आपको चिंता जरूर होगी। जान खतरे में? क्या हुआ मधु को? वो कैसे हुआ? देखिए मैडम, ये तो हमें भी नहीं मालूम कि जान कैसे खतरे में है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जान वाकई खतरे में है। लेकिन यकीन मानिए, मुझे जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि आप लोगों को उनकी इतनी फिक्र है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी है कि अगर आप लोगों को उनकी इतनी फिक्र है तो ये घर टूटा कैसे? मेरा मतलब है कि वो दूसरे घर में चले गए, नया घर खरीद लिया, इस घर में नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हुआ यूं कि मेरी बीवी और मेरे छोटे भाई वीरेन की बीवी के बीच में कुछ अनबन हो गई थी। मेरा मतलब है कि उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो हर घर में होता है। यानी कि इस घर में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी? जी हाँ। मैडम आप मुझे जरा बताएंगी कि वो अनबन की वजह क्या थी आपकी और आपकी देवरानी के बीच में? वो ऐसा था, यू नो, मतलब छोटी छोटी। आप लोगों के बच्चे कितने हैं? जी हम लोगों का कोई बच्चा नहीं है। तो आप लोगों का कोई बच्चा नहीं है? हाउ स्ट्रेंज, छोटे भाई के दो दो बच्चे हैं और आपका एक भी बच्चा नहीं है, ऐसा क्यों? व्हाट डू यू मीन? आपके कहने का मतलब क्या है, कि मैं बांझ हूँ, यही कहना चाहते हैं ना? देखिए मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया हो, लेकिन आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश कीजिए कि मैं सिर्फ सच्चाई की तह तक जाना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि आप जादू टोना में तो यकीन नहीं रखती? जादू टोना? व्हाट डू यू मीन? आपके
आपके कहने का मतलब क्या है कि मैंने कोई जादू टोना किया? आप लोग किस तरह के सवाल कर रहे हैं? रखिए, गोपी सिर्फ ये कहना चाहता है कि जिस औरत के बच्चे नहीं होते इस देश में, वो जरूर पूजा पाठ में लग जाती है, साधु संतों से मिलने लगती है, कुछ मन्नतें मांगने लगती है, ठीक है ना? तो उनके इस तरह से आप क्या वो तो ठीक है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक का और ये जादू टोना, ये सब मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये सब मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। मैडम, ये गुड़िया आप ही की है? बच्चों की है। तो यहाँ आई कैसे? ये बच्चे लाए होंगे, ये खेलती है, ये भी तो अभी तक बच्ची है। भाभी, क्यों बदनाम कर रही हो मुझे? मैं क्या गुड़िया से खेलूंगी? तो वीरेन के बच्चे छोड़ गए होंगे, याद नहीं? वीरेन की लड़की खेलती थी ना इस गुड़िया से। वीरेन? हाँ। सैम, देखो ये औरत झूठ बोल रही है, ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये जादू टोने की गुड़िया है। ये सुई देख रहे हो, इसके सर में घुसी हुई, सुई को घुमाया जाए इस तरीके से तो जिसके भी नाम की ये गुड़िया है उसको बहुत तकलीफ होती है और वो तड़प तड़प के मर जाती है। मेरे पास बहुत सारी गुड़िया है, बहुत बढ़िया गुड़िया है, आपको दिखा? बंटी, ये पिंकी किसके साथ बात कर रही है? मुझे नहीं मालूम माँ। मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है, बहुत सारी। पिंकी, आइए सैम साहब, आइए। क्या वो फिर आया था? जी सैम साहब, इस बार वो मेरी पिंकी को छीनना चाहता था, वो उसको लेके जा रहा था। ओह माय गॉड, नो! ये तो दफा 487 है, थ्रेट टू लाइफ। देखो देखो सैम, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि भूत प्रेत होते हैं और कोई इन पे जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है? गोपी, तुम्हें धराओ। क्या बात है, क्यों इसे डरा रहे हो? और क्या बात कर रहे हो सैम, मुझे पूरा यकीन है कोई इन पे जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है। यार, जादू टोना किया है किसने? कौन है वो? गोपी, इस तरह कुछ बोल देना ठीक नहीं है। तो सैम, फिर उस गुड़िया क्या जिसके सर में सुई घुसी हुई थी? मुझे पूरा यकीन है कि वो गुड़िया इनके नाम की है, मधु जी के नाम की, और कोई इन्हें मारना चाहता है। क्या? यार तुम कुछ भी बक देते हो। नहीं, मुझे अभी इस घर में नहीं रहना। हमारी पड़ोसन मिसेस खन्ना भी कह रही थी ये घर हॉन्टेड है, यहाँ उस आदमी का भूत रहता है, मुझे यहाँ नहीं। मधु जी, मेरी बात सुनिए, ये गोपी को सीरियसली मत लीजिए। चलिए मिसेस खन्ना से बात करते हैं, आइए आइए, शायद वही हमें कुछ बता पाए। आइए, बच्चों को साथ ले आइए, आइए आइए, कम ऑन। ये घर है ना? ये पिंकी को पकड़ना। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो शायद बाहर गई होंगी। वॉचमैन? जी साहब। वॉचमैन, ये कहाँ है? घर वाले लोग कहाँ गए हैं? यहाँ लोग? इस घर में जो रहते हैं मिसेस खन्ना। कौन मिसेस खन्ना? इस घर में जो रहते हैं मिसेस खन्ना। ये घर तो पिछले 6 साल से बंद है। क्या? क्या? आपने देखा कि हमने सारी रात आपके घर में बिताई और यकीन मानिए जाग कर बिताई, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी किचन में, कभी बाथरूम में, और इंस्पेक्टर भिंडे, क्या आपने कोई भूत देखा? नहीं सैम, मैंने तो कोई भूत नहीं देखा। भूत नहीं देखा? गोपी, तुम तो भूतों में विश्वास करते हो, क्या तुमने कोई भूत देखा? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन देखो। लेकिन वेगन कुछ नहीं यार, इतना बताओ कि भूत देखा कि नहीं, हाँ या ना बोलो। नहीं देखा। नहीं देखा, गोपी ने भूत नहीं देखा। अच्छा चावला साहब, आपको भी तो अरसा हो गया इस घर में आए हुए, आपने कभी कोई भूत देखा?
मैंने कोई भूत नहीं देखा। कोई भूत नहीं देखा तो मधु जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेज है कि आप दिन में भी सपने देख लेती हैं, जो देखना चाहती हैं वो देख लेती हैं, भूत आपको नजर आने लगता है? नहीं, वो है, वो आता है यहाँ पर, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, जब कोई नहीं होता तो वो मुझ पर हमला करता अच्छा, है, ठेरी, ठेरी, वो आता है, अच्छा, वो है। मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं, लेकिन देखिए जरा गौर से सुनिए, आपने हमसे कहा था कि एक औरत आपसे मिलने आती है, वो नीचे रहती है, हम नीचे गए, हमने क्या देखा, ताला लगा हुआ है, उस घर में 6 साल से कोई रहता ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि आप उस औरत को भी देख लेती हैं, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेज है आप देख लेती हैं, कुछ है नहीं, औरत नहीं, भूत नहीं, आप शांत रहिए, वरना क्या कर लोगे? वरना आपको मजबूरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों? पागल समझते हो मुझे? मैं पागल हूँ? पागल खाने में डालोगे मुझे? हाँ? नहीं, नहीं, नहीं। मधु, मधु, कंट्रोल, चुप। बहुत हो गया मधु, चुप, बस। आराम से, आहिस्ता, आहिस्ता। सर, सर मैं सताऊँ। देखो मेरी बात सुनो। देखो मुझे लगता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, लड़की ठीक कह रही है। क्या कह रही है? ये गुड़िया तुम्हें याद है? ये जादू करने वाली गुड़िया, मुझे पक्का यकीन है कि मैं इसकी सुई घुमाऊंगा तो देखना जरूर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये देखो, नहीं, देखा तुमने? एक एक बार, एक बार और देखो। मधु, 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 कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करो, समझी? तुम्हारी वजह से मैं बच्चों को भी भैया के पास छोड़ आया हूँ, डरने जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। छोड़ दीजिए ने चावला साहब, दिस इज नॉट द वे, प्लीज। नहीं, देखिए, देखिए मधु जी, इतने दिन तक हमने आपकी बात मानी, अब एक दिन के लिए आप हमारी बात मान लीजिए, आज का दिन, अब से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात भी नहीं कह रहा हूँ, आप दिल में ये धार लीजिए कोई भूत नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको भूत नजर आए तो हम आपके साथ हैं, प्लीज आप कोशिश करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, प्लीज। हाँ, लुक आफ्टर हर। मधु, मधु, उनका वक्त बर्बाद मत करो, और भी काम है उनको। है अच्छा, मत जाने दो उनको। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मायके छोड़ाऊंगा, बस ठीक है? प्रॉमिस, प्रॉमिस। अच्छा, अब ओके, बैठो। तुम मुझे मायके छोड़ाओगे ना? अब मैं यहाँ और नहीं रहूंगी, सुबह पहली गाड़ी से मुझे छोड़ाओ। ठीक है, तुम अपनी तैयारी कर लो। हम लोग पैकिंग करें। मैं जरा दफ्तर होके अभी आता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, वो फिर आ जाएगा। मधु, मुझे मुझे अर्जी देनी है छुट्टी के लिए, छुट्टी लिए मैं कैसे जा सकता हूँ, ये मेरी नौकरी का सवाल है मधु। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया, बस जल्दी आना। हेलो, हेलो, चावला साहब हैं? वो नहीं है। नहीं है, कहाँ गए वो? अभी तक तो घर नहीं आए।
है, हाथ तक है, छोड़ो छोड़ो मुझे, भेंडे भेंडे। नहीं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए। आइए एंड रिलैक्स, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, बिल्कुल इत्मीनान रखिए। चलिए बाहर चल के बैठते हैं। हाँ मैंने देखा, लेकिन आपने देखा कैसे भूत मेरे डर से भाग गया है? बिल्कुल, जो भी डर है आपके दिल में उसको उठा के फेंक दीजिए। अब तो सारी बात मेरी समझ में आ गई, सारी की सारी मेरी समझ में आ गई। मधु क्या हुआ, क्या हुआ? इन्हें आप नहीं जानते? नहीं मैं नहीं जानता। आप वाकई नहीं जानते? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। चारवा साहब मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि इनको जब जब भी भूत नजर आता आप घर में नहीं होते? अब मुझे यानी कि इनको फिर से भूत नजर आया? जी हाँ, इनको भूत नजर आया क्योंकि भूत है, और भूत आज मुझे भी नजर आया। अच्छा। और बहुत जल्द वो आपको भी नजर आएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि आप भी किसी न किसी तरह इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं चावला साहब। मैं इस कहानी से जुड़ा हूँ? जी हाँ, बात आपकी समझ में आएगी। मैं कुछ समझा नहीं। आज समझ में आएगी, समझ में आएगी। जी हाँ आएगी, नहीं आ गई है। कैसे आ गई? मुड़ के देखिए। ये तो आपकी पड़ोसन मिसेस खन्ना। यही तो है, लेकिन उस फ्लैट में तो 6 साल से ताला है। जी हाँ, फ्लैट में 6 साल से ताला लगा हुआ है, जिस ताले की चाबी मिसेस खन्ना के पास रहती है। लेकिन एक दूसरा भी ताला है इस कहानी का, जिसकी चाबी मेरे पास है, और मैं धीरे धीरे उसको खोल के आपको समझाता हूँ, सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। चावला साहब जी, ये घर आपको कैसे मिला? आपको किसी ने, किसी एस्टेट एजेंट ने फोन किया? जी हाँ, फोन इन्होंने करवाया था, क्योंकि नीचे वाले घर की चाबी इनके पास रहती थी, और ये जानती थी कि इस घर में मिस्टर परेरा का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल हो चुका है, और लोग इसको हॉन्टेड हाउस मानते हैं, तो? और ये चाहती थी कि आप उस नीचे वाले घर के ऊपर वाले घर में आके बस जाए। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, जब भी भूत आपको नजर आता था उससे पहले क्या होता था घर में? कुर्सियां हिलती थी, और आप समझती थी कि भूत उनको हिलाता है, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। इसलिए सुबह जब मैं आपको छोड़ के गया तो मेरा दिमाग चल रहा था, मैं सोच रहा था ये कुर्सियां कैसे हिलती हैं। कुर्सियों के नीचे फर्श है, फर्श के नीचे वो घर है जो 6 साल से बंद है। इसलिए गोपी और भिंडे को लेकर चोरों की तरह मैं पिछली खिड़की से उस घर में घुस गया, और अंधेरे में हम लोग इंतजार करने लगे। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, रात होती धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। गोपी जी, ये कुर्सी ही दिखाते रहेंगे कि मुखड़ा भी दिखाएंगे? थैंक यू, बस बस बस। मिस्टर मिसेस चावला, जैसे दुल्हन के साथ दहेज मिलता है, वैसे ही इस घर के साथ आपको ये कुर्सी मिली थी। जरा सोचिए कि लकड़ी की कुर्सी के नीचे ये लोहा क्यों लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है? आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा कि चुंबक लोहे को खींचता है, तो नीचे वाले घर में एक चुंबक था जो कि इस लोहे को खींचता था। वो इधर चलता था तो कुर्सी इधर चलती थी, वो इधर चलता था कुर्सी इधर चलती थी। और ये चुंबक कौन हिलाता था? मिसेस खन्ना। ओके मिसेस खन्ना, यू आर अंडर अरेस्ट। गोपी भिंडे, गोपी तुम्हें इन्हें संभाले, भिंडे तुम बाहर फैला दो, मैं ऊपर जाऊं। ओके। हिलना नहीं। वैसे चुंबक की जरूरत क्या थी? आप ये आंखें हिला देती तो कुर्सियां क्या, सारा घर हिल जाता। ओ, मैं हिल गया। मिस्टर चावला जी, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, मैंने सुना है ये मिसेस खन्ना है। अगर मैं कहूं कि ये मिसेस नहीं है, मिस है, तो आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं, फिर मैं नहीं जानता इनको। तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना तुमने मुझे? क्या कर रही? मुझे नहीं पहचाना? हाँ? Yes.
रीटा खत्री, जिसकी एक जमाने में आपके साथ शादी होने वाली थी और इसके घर वाले आपको लड़की दिखाने भी लाए थे। यस। जितना दहेज चाहिए हम देने के लिए तैयार रहे, लेकिन हम चाहते हैं हमारी बेटी की शादी हो जाए। जी बस हम भी यही चाहते हैं कि वीरेन की शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। तो मैं ये शादी पक्की समझूं? ये लीजिए लड्डू खाइए। ये बात सही है, लेकिन फिर मेरे भैया ने बताया कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं? नो 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 रीटा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने इन्होंने मुझसे शादी नहीं की, इसीलिए आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। क्या कमी थी मुझ में? हमारा इतना अमीर घराना, लेकिन कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि इन्होंने बिरादरी में बात फैला दी कि मैं पागल हूँ, इसीलिए इन्होंने सगाई तोड़ दी है और आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। मेरे पिताजी को भी धीरे धीरे लगने लगा कि मैं पागल हूँ, मुझे पागलखाने भिजवा दिया। लेकिन वहां पड़े पड़े मैं एक ही बात सोचती गई कि बाहर निकलने के बाद मैं बदला लूंगी। लेकिन जब आप बाहर आई तो आपको पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है, और शादी ही नहीं इनके दो बच्चे भी हैं और इन्हें एक घर की तलाश है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अगर होती तो इतनी चालाकी से इन्हें ये घर दिलवा पाती। नहीं नहीं नहीं, आप पागल नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपने इन्हें ये घर दिलवाया, और जब भी आप देखती कि ये घर में नहीं है, आप इनके घर में आती और पहली ही मुलाकात में आपने इन्हें बताया। हाँ, यहाँ पर एक क्रिस्टियन फैमिली रहती थी, जॉन परेरा और उसकी बीवी और बच्चा। जॉन का खून हो गया था और उसकी बीवी और बच्चा घर छोड़कर चले गए। अब भी यहाँ न कोई किराएदार रहने को तैयार और न कोई मकान खरीदने को, इसीलिए मकान मालिक ने घर के दाम भी कम कर दिए और फिर आप आ गए। उसके बाद नीचे वाले घर में ले जाकर आपने पुराने अखबार में एक तस्वीर दिखाई और कहा कि ये जॉन परेरा की तस्वीर है। अगले दिन वो तस्वीर वाला आदमी इन्हें टब में दिखाई दिया और शुरू हुआ भूत का सिलसिला। अचानक कुर्सियों का अपने आप चलना और भूत का पिंकी को उठा ले जाने की कोशिश करना, और चौकीदार का कहना कि यह घर 6 साल से बंद है। यह घर तो पिछले 6 साल से बंद है। यह सब करने का आपका मकसद सिर्फ इतना था कि आप इन्हें पागल बना देना चाहती थी। ये भूत भूत करती रहें, कोई इन पर विश्वास न करे और डॉक्टर आपकी तरह इन्हें भी पागलखाने भिजवा दे। ये होते होते रह गया। इनका दिमागी संतुलन तो बिगड़ने वाला था कि अचानक हमें एक चाल सूझ गई और हमने नहीं नहीं मधु जी, भूत नहीं, बिल्कुल भूत नहीं, इंसान है। तत्काल देखा आपने? अब असली दिखा। देखा आपने? नकली दांत वाला नकली भूत, लेकिन जो गोली मैंने चलाई थी वो असली थी। अगर ये भूत होता असली तो गोली हवा में निकल जाती, लेकिन इसको लगी है। ये देखिए, गोली लगी है। लेकिन जॉन परेरा तो मर चुका है, इसकी बीवी ने भी आपसे यही कहा था, फिर ये जिंदा कैसे? यही तो बात है। अब देखिए इस औरत की चालाकी, इसे कहते हैं ऑब्सेसिव माइंड। याद कीजिए सबसे पहले जॉन परेरा की तस्वीर आपको किसने दिखाई थी? ये है जॉन परेरा, इसका खून हुआ था यहाँ। जो तस्वीर आपको दिखाई गई थी वो जॉन परेरा की नहीं थी, इसकी थी, ताकि जब आप इसको देखें तो इसको आप भूत समझें। बड़े का टट्टू, क्यों रे, कितने पैसे दिए गए थे तुझे भूत बनने के लिए? 50,000। 50,000 रुपए का भूत। अब आपको मैं दिखाऊं, आप जॉन परेरा की अगर तस्वीर देखना चाहें, जॉन परेरा की असली तस्वीर ये है, गौर से देखिए इसे। असली जॉन परेरा ये है, वो नहीं, और ये हॉन्टेड हाउस नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं, और ये आपकी पड़ोसन मिसेज खन्ना नहीं, और मैं पागल नहीं। अगर आप पागल नहीं तो मैं गोपी नहीं, और ये सैम नहीं। नहीं 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 गोपी, ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, इसका फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर भिंडे, इन्हें ले जाइए। अबे वो भूत, यहाँ से हिलना नहीं, वरना गोली मार दूंगा, समझा? चलो चलो।
सैम, यहाँ तो जिंदा भूत है। फिर तूने भूत की बात की? सॉरी। देखो गोपी, फ्यूचर में यानी भविष्य में कभी भूत नजर आए ना, हाँ, तो उससे डरना नहीं, तो झपड़ना उसके ऊपर और पकड़ लेना।